BTS News Managing Director Mohammed Taufik. आज कल से नामपली असेंबली में मल्लेपल्ली डिवीजन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसकी वजह यह है कि काफ़ी माहौल ऐसा ख़राब हो गया है कि काफ़ी लोग बुखार से परेशान हैं, डेंगू की वजह से परेशान हैं। उसकी तरफ से सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनकी हिदायत पर ये फैसला किया है कि हर डिवीजन में फ्री मेडिकल कैंप रखा जाए, जिससे लोगों को फायदा पहुँचाया जाए और उसके तरफ से फ्री मेडिसिन दिया जा रहा है, फ्री ब्लड टेस्ट किया जा रहा है और उन लोगों की शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, काफ़ी टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं और उनके रिपोर्ट्स व्हाट्सएप के जरिए उनको पहुँचाया जाएगा। अगर कुछ पॉजिटिव निकला रिपोर्ट तो उनको हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से बहुत ही अच्छी सोच की तरफ से सदर मोहतरम ने ये कैंप रखाया गया है। ये चार दिन हर डिवीज़न में इसी तरह से रखा जाएगा। नामपल्ली हल्के के चार डिवीज़न में महीना आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ये फ़ायदा जमात की तरफ से जो रखा गया है फ्री मेडिकल कैंप, इससे ज़रूर फ़ायदा होता है। ये कैंप सिर्फ मल्लेपल्ली डिवीज़न में नहीं, देवबाग में जो विजयनगर डिवीज़न आता है और मेहदीपट्टनम डिवीज़न दोनों के बॉर्डर पर रखा गया है और आसिफ नगर डिवीज़न में ताज फैशन हॉल में रखा गया है। इसी तरह बड़ा बाजार कम्युनिटी हॉल अहमद नगर में रखा गया है। चार डिवीजन्स में आज ये फ्री कैंप रखा गया है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो जो कोई भी भोपाल की तरफ से परेशान है तो इमीडिएटली अपने अपने एरिए में जाकर उसका फ़ायदा उठाइए, टेस्ट ना कराइए। अगर कुछ रहा तो आप इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में जाके बता सकते हैं पर, और माजिद साहब की निगरानी में और सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी हो रहे हैं और मैं भी बाहसियत के कॉर्पोरेटर मल्लेपल्ली डिवीज़न के जब तक भी कैंप रहेंगे मैं यहाँ पर अवेलेबल रहूँगा। नेपाल भाई पॉजिटिव
मेडिसिन भी है ना बच्चों के लिए आपके नाम ओके सर थैंक यू थैंक यू अच्छा जी भाई ये बच्चों क्या कर रहे हैं मैडम जी हर एक का ब्रेक चल रहे हैं सलाम अलैकुम भाई जाने का अभी नहीं दराटो जी सुकून से पीछे आओ जी पीछे आओ अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आया डेंगू तो डॉक्टर से रेफर करता
पॉजिटिव है तो हमारा टीम मलेरिया का टीम देते हैं, हम जाते हो घर के और दूसरा तो है तो उसको भी सैंपल देते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है पेशेंट को हॉस्पिटल रेफर करते हैं। Yeah,